दोस्तों, धरती के बाद इंसानों का दूसरा घर कहे जा रहे मार्स और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट यानी कि जुपिटर के बाद हमें एक ऐसी दुनिया के दर्शन होते हैं जो अपने आप में कई सारे रहस्यों को छिपाए हुए है। अगर मैं कहूं कि धरती के बाद आपको सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब सैटर्न यानी कि शनि ग्रह ही होगा। सैटर्न सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लैनेट है और इसकी साइज जुपिटर के बाद प्लैनेट की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। इसका खूबसूरत रिंग सिस्टम सोलर सिस्टम में से एक अलग पहचान देता है और जब बचपन में हम सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाते थे ना, तभी से इसकी इमेज हमारे दिमाग में अलग से फिट हो गई थी। हम में से कई लोग तो एक दिन सैटर्न और उसके रिंग सिस्टम की सैर करने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप सच में सैटर्न की सैर पर जाए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? 1 सितंबर 1979 को नासा का पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना था, लेकिन जब बात इसको ऑर्बिट करने और इसको एक्सप्लोर करने की आती है तो हमारे सामने सिर्फ कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का ही नाम आता है। साल 1997 में लॉन्च हुआ कैसिनी स्पेस प्रोब साल 2004 में सैटर्न की ऑर्बिट में पहुंचा था और इसने साल 2017 तक सैटर्न और उसके मून्स को ऑर्बिट करते हुए उनके एटमॉस्फेयर और इंटरनल कंडीशंस की डीप स्टडी की थी और सैटर्न को घेरे हुए गैस क्लाउड्स के नीचे छिपे राजों से भी पर्दा उठाया था। तो आखिर सैटर्न के गैस क्लाउड्स के नीचे इसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या छिपा हुआ है और क्या हो अगर हम सैटर्न की सैर पर चले जाए तो? तो सोच क्या रहे हो, अपने अपने स्पेस सूट पहन लीजिए और अंतरिक्ष टीवी के स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाइए क्योंकि आज मैं आपको सैटर्न की सैर पर ले जाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कैसिनी स्पेस प्रोब को सैटर्न तक पहुंचने में करीब 7 साल का समय लगता था। मतलब अगर हम इंसान आज की टेक्नोलॉजी से सैटर्न तक जाने की कोशिश करें तो हमें करीब 7 से 8 साल का समय जरूर लगेगा। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आपका स्पेसक्राफ्ट सैटर्न की ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब आप अपने स्पेसक्राफ्ट का गेट खोलते हो और सैटर्न की ओर डाइव लगाते हो। सैटर्न की तरफ बढ़ते हुए मेरे सब्सक्राइबर्स को इस प्लैनेट और इसके रिंग्स का खूबसूरत नजारा देखने को मिलने वाला है। बट इससे पहले कि आप सैटर्न के ज्यादा करीब जाओ, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि यहां जाना हम इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं होने वाला है। और सैटर्न जैसे हेल प्लैनेट पर अगर आप सरवाइव करना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड स्पेस सूट की जरूरत होगी। दूर से देखने पर आपको इसके रिंग सर्कुलर शेप के डिस्क जैसी लग रही होंगी, लेकिन असल में ये आइस रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स की बनी हुई है। अब सैटर्न के एटमॉस्फेयर में सेफली एंटर करने के लिए आपको इसके रिंग से भी सुरक्षित गुजरना होगा। हालांकि जरूरी नहीं कि आप सैटर्न पर उतरने के लिए वो एंगल ही चुनो, आप ऊपर से भी जंप मार सकते हो, लेकिन एडवेंचर और थ्रिल चाहते हो तो जैसे आपकी मर्जी। खैर, अपने सफर पर आगे चलते हैं और बात करते हैं हमें अपने सफर पर आगे ले जाने वाले फोर्स यानी कि ग्रेविटी की। आप अपने स्पेसक्राफ्ट से सैटर्न की ओर ग्रेविटी के कारण ही बढ़ रहे हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैटर्न के एनॉर्मस साइज के बावजूद इसकी ग्रेविटी हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 7% ही ज़्यादा है। मतलब जब आप इसकी ओर बढ़ रहे होंगे तो आपको धरती और सैटर्न की ग्रेविटी में कुछ खासा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब सैटर्न के एटमोसफेयर में एंटर होते ही सबसे पहले आपका सामना अमोनिया क्रिस्टल्स से बने सफ़ेद चमकदार क्लाउड से होगा जिनका टेम्परेचर करीब -130 डिग्री सेल्सियस होगा। इन क्लाउड्स की डेंसिटी काफी ज्यादा है और यहां पर आपको करीब 1 एटीएम का प्रेशर झेलना होगा जो धरती के सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अमोनिया क्रिस्टल्स के क्लाउड्स के बाद आप सैटर्न के एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में एंटर हो जाओगे। इस लेयर का कलर डार्क ब्राउन है और इसमें अमोनिया सल्फाइड और अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बने क्लाउड्स मौजूद है जहां का टेम्परेचर करीब -100 डिग्री सेल्सियस है और यहां पर आपको धरती की सरफेस के कंपेरिजन में करीब 3 गुना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर झेलना होगा। जैसे जैसे आप इस लेयर में नीचे की ओर बढ़ते जाओगे आपके चारों ओर अंधेरा छा जाएगा और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
शनि ग्रह की ये गैसियस लेयर्स इतनी ज्यादा डेंस है कि सूरज से आने वाली लाइट भी इन्हें पार नहीं कर पाती है। यहाँ पर आपको 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली खतरनाक हवाओं का सामना करना पड़ेगा। जस्ट फॉर कंपैरिजन, 10 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रेलिया में आए साइक्लोन ओलिविया के दौरान विंड की स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई थी और ये धरती पर आज तक रिकॉर्ड की गई सबसे फास्टेस्ट विंड स्पीड है। 1800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में रहते हुए अगर आपने कोई स्पेशली डिजाइंड स्पेस सूट नहीं पहना होगा तो ये विंड स्पीड ही आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। जी हाँ, लिटरली आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। करीब 200 किलोमीटर दूर तक फैली इस लेयर को पार करने के बाद आपको सैटर्न के एटमॉस्फेयर की अगली लेयर मिलेगी जो कि वाटर आइस के क्लाउड्स की बनी हुई है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये बादल आपको चमकते हुए दिखाई देंगे और अगर आपके पास स्पेशली डिजाइन सूट ना हो तो इससे आपको तगड़ा शॉक भी लग सकता है। इस जगह तक आते आते एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धरती के सरफेस प्रेशर से 10 गुना से भी ज्यादा हो जाने वाला है। अब इस लेयर को पार करने के साथ आप सैटर्न के एटमॉस्फेयर में लगभग 400 किलोमीटर अंदर घुस चुके होंगे और आप करीब 2 घंटे का सफर कर चुके होंगे। अभी तक के सफर के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सैटर्न एक बड़ा ही अजीब और रहस्यमयी प्लैनेट है, लेकिन अब इसके बाद जो लेयर आने वाली है वहां आपको कुछ और स्ट्रेंज देखने को मिलने वाला है। अभी तक जो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक लो था वो अचानक से +100 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है कि इस लेयर में हाइड्रोजन और हीलियम भी लिक्विड के फॉर्म में होंगी और यहाँ तक आने के लिए आपके स्पेशल सूट में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स तो जरूर होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि हमारी टेक्नोलॉजी आज से 50 साल बाद भी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो पाएगी कि हम इस तरह का अनब्रेकेबल स्पेस सूट बना पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको स्विमिंग पूल में जबरदस्ती अंदर की ओर डुबाता ही जा रहा है। ये फोर्स ऑलमोस्ट अनबियरेबल हो जाने वाला है। इस तरह की कंडीशंस में करीब 32,000 किलोमीटर्स का सफर करने के बाद आप एक ऐसे रीजन में एंटर हो जाओगे जहां का एटमॉस्फेयर प्रेशर धरती की सरफेस से करीब 20 लाख गुना ज्यादा होगा और टेम्परेचर 9,000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका होगा। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में आपको मेटालिक हाइड्रोजन के दर्शन होंगे और ये एरिया आपको व्हाइट कलर में चमकता हुआ दिखाई देगा। सैटर्न के इन अलग अलग लेयर्स में हफ्तों तक ट्रेवल करने के बाद जाकर आप कहीं उसके कोर तक पहुंच पाओगे जो इसके अपर एटमॉस्फेयर से करीब 56,000 किलोमीटर नीचे है। ऐसा माना जाता है कि सैटर्न की कोर मेटालिक आयरन के रॉक्स की बनी हुई है और ये धरती से डबल से भी ज्यादा साइज की है। जी नहीं, धरती के कोर से डबल नहीं बल्कि धरती की साइज के डबल। मतलब अब एक तरफ जहां धरती की रेडियस 6,378 किलोमीटर है तो दूसरी ओर सैटर्न की कोर की रेडियस 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सैटर्न की आयरन कोर और मेटालिक हाइड्रोजन की लेयर मिलकर इसकी इमेंसली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। सैटर्न की कोर का टेम्परेचर करीब 12,000 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर आपको धरती की सरफेस के कंपेरिजन में 1 करोड़ गुना ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर झेलना पड़ता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपके स्पेशली डिजाइन स्पेस सूट में टेम्परेचर और प्रेशर को झेलने की अनबिलीवेबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पावर होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप इसके कोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सैटर्न तक की यात्रा पूरी कर ली है। लेकिन 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 इस समय आप जिस जगह पर पहुंच चुके हो वहां से वापस जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्रेविटी के साथ तो ये सफर एक पल के लिए फिर भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर सैटर्न के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल साबित होगा। सैटर्न जैसे गैस जायंट्स आपको बाहर से देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं वो अंदर से उतने ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं।
अभी तक हम जिस जर्नी का मजा ले रहे थे वो थियोरेटिकल और साइंस फिक्शन पर आधारित थी। एंड ऑब्वियसली हम ऐसा कुछ भी असल में तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान हफ्तों की इस जर्नी को बिना खाए पिए तो पार नहीं कर सकता, और इतने दिनों के लिए कोई रेस्टोरेंट भी उसके साथ नहीं जा सकता ना। अगर ये सब सुनने के बाद भी आपका मन सैटर्न की सैर करने के लिए मचल रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके किसी मून पर जाना प्रेफर करें। सैटर्न के मून्स जैसे कि टाइटन, इंसेलेडस और यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं मिली है, और ये सैटर्न की तरह नर्क जैसे भी नहीं है। और साथ ही यहां से आपको सैटर्न की खूबसूरत रिंग्स के अद्भुत फोटोग्राफ्स और सेल्फीज खींचने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे आपको सैटर्न का ये सफर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आप सोलर सिस्टम के किस प्लैनेट की सैर करना पसंद करेंगे ये भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको सैटर्न के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आपको ऐसे स्पेस वीडियोस देखने पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।